सो गाइस आज संडे का दिन है तो मैं जा रहा हूँ थोड़ा घूमने के लिए। शाम हो चुकी है 5, आज बहुत गर्मी थी तो मैं 2 बार नहाया, एक सुबह और अभी नहाया जाने से पहले। तो भाई निकल चुका हूँ मैं, देखते हैं कहाँ जाते हैं। तो ऐसे ही घूमते संडे के दिन कहीं भी निकल लेते हैं भाई घूमने के लिए। तो भाई वीडियो को एंजॉय करना, लाइक करना, शेयर करना। और भाई गढ़वाल वाली वीडियो मैं इतनी मेहनत की बना के वहाँ पे गया भी और भाई इतना टाइम भी खर्च किया, धूप में काला भी हो गया था, फिर भी वीडियो पे व्यू लाइक नहीं आया यार, बहुत दुख होता है। मतलब आप लोगों का काम, आप लोग ने तो सब्सक्राइब किया हुआ है बट मोस्टली गढ़वाली जो लोग होते हैं ना यार बड़े कम्युनिटी टाइप के लोग होते हैं, तो भाई आप लोग बस शेयर कर दिया करो अपने ग्रुप पे जो भी आपको जानता हो ना, तो ताकि यार वीडियो को थोड़ा सपोर्ट मिले तो मैं और मेहनत करूँगा, है ना। एक मोटिवेशन मिलता है ना भाई कि इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर तुमको व्यू लाइक नहीं मिल रहे और कमेंट नहीं मिल रहे तो यार काफ़ी प्रॉब्लम होती है ना। तो चलते फिलहाल जहाँ भी बाइक चलती है हमारी, अभी लेने वाला हूँ मैं बुलेट, वैसे पल्सर भी पड़ी है मेरे पास पर ख़राब पड़ी है वो पल्सर। तो भाई कुछ इस तरह का सीन है, तो चलते हैं भाई आगे। अभी मैं तेल भरा रहा, थोड़ा तेल कम है बाइक में, तेल कम है। और ये फिलहाल हूँ मैं सैनी फार्म में और ये बहुत अच्छी जगह है मतलब घूमने, तो चलते हैं फिर आगे। तो चलते हैं भाई आगे, ये है सैनी फार्म। और भाई यहाँ दिल्ली में घूमने का मन तो करता है बट यार गर्मी इतनी पड़ती है ना और इतना ट्रैफिक होता है ना कि यार पूछो मत, और हेलमेट ऊपर से और पहनना पड़ता है तो काफ़ी दिक्कत आती है। और ये वन वे रोड है, रोड नहीं ये रास्ता है बेसिकली। तो भाई राइड करने में काफ़ी मज़ा आता है ना। और यहाँ पे भाई बड़े बड़े बंगलो है, बहुत आलीशान। अब यहाँ से लूँगा राइट, यार बचपन मेरा यहाँ बीता है ना इसलिए एक एक रास्ता पता है मेरे को। और ये जो सामने बना रखा है ना कांच का नहीं है, ये स्टील का है, इसमें सामने वाला लेफ्ट साइड को या राइट साइड को मुड़ते हैं ना तो सामने दिख जाता है कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। और यहाँ पे पता है काफ़ी ग्रीनरी है इस एरिया में, तो यहाँ पे बड़े बड़े लोग रहते हैं ना, बड़े बड़े मीन्स की हाइट में नहीं बल्कि पैसे के मामले में बड़े बड़े लोग रहते हैं, तो ये भाई काफ़ी मेंटेन करके रखते हैं अपने ये जो घर होते हैं ना, देखो कितना हरियाली कर रखी है। और बरसात के टाइम तो और भी हरा भरा होता है, वैसे भी ये लोग मेंटेन करते हैं, बारिश हो चाहे ना हो अपने पेड़ पौधों पे बहुत ध्यान देते हैं लोग, देखो कितनी ग्रीनरी है। और एक से महंगे महंगे इनके पास प्लांट है ना। अभी आपको ना अपने पापा, मेरे पापा जी के एक फ्रेंड थे, उनका घर दिखाता हूँ भाई। उनके ना सैनी फार्म में ना इस एरिया में 3-4 बंगले हैं, बड़े बड़े भयंकर भयंकर भाई। उनके शिपिंग कंपनी थी तो पापा से, मतलब पापा के बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ ना मतलब अच्छे मतलब रिलेशन थे। अगर हम उस टाइम बड़े होते ना हम भी अच्छी जॉब करते, अभी भी सही है, बहुत अच्छी जॉब है। ये है देखो सामने वाला, अभी दिखाता हूँ तुमको पापा के, ये वाला जो देख रहे हो ना ये ग्रिल, ये वाले जो है ना बंगलो दूर तक है भाई, ये अंदर का दिख ही नहीं रहा। ये गेट है देखो, ये गेट सैगल साहब है, ये एक्सपायर हो चुके हैं ये भी, केसी सैगल, बहुत बड़ा बंगला है भाई। अब चलते हैं बाहर के, ये आम का पेड़ है, इसमें आम नहीं लगे बट सूखा पड़ा है आम का पेड़। और सामने ये राम मंदिर, सैनी फार्म का बड़ी स्लो चला रहा है यार ये, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला बंदा। ये राम मंदिर आ गया भाई सैनी फार्म का, ये है खिड़की गांव के अंदर मस्जिद। अभी गार्ड ने मेरे को मना कर दिया कि बोले कि यहाँ पे ना मतलब अभी काम चल रहा है कुछ, तो भाई यहाँ पे वीडियो नहीं बना सकते, तो बाहर से दिखाता हूँ आपको। देख बड़े भाई इसके अंदर जाना अलाउड नहीं है बिल्कुल भी, पता नहीं क्यों हॉन्टेड सी जगह है और कुछ भी, मतलब अंदर मिस्त्री लगे पड़े फिलहाल। तो भाई बहुत ही आलीशान मस्क है ये, घूमने लायक है। अरे हाँ भैया है। खिड़की मस्जिद, और यहाँ पे अभी जाना बंद है क्योंकि यहाँ पे चल रहा है काम भी, देखो रेत बजरी लगी हुई है। और भाई ऐसे कहा जाता है कि ये ना हॉन्टेड है भाई बहुत ज़्यादा, तो भाई अकेले यहाँ पे जाने की कोशिश मत करना, बड़ी सुनसान जगह है मीनार। फिलहाल हूँ मैं राम गली, चंपा गली है,
जगह का नाम भाई, बहुत ऑसम जगह है ये। चंपा गली बहुत फेमस जगह है साकेत की, तो ये शानदार कैफे भाई है, आप भी आना, बहुत अच्छी है भाई यहाँ पे, बहुत बढ़िया लगा मेरे को आके, अच्छी अच्छी डेकोरेशन की है भाई यहाँ पे, तगड़ी वाली डेकोरेशन, वहाँ से दिखाता हूँ देखो कितनी अच्छी। जैसे जैसे शाम होती है ना, तो ये जितनी भी लाइटिंग कर रही है ना, ये सारी जल जाती है, तो काफ़ी देखने में अच्छा लगता है यहाँ पे। और भाई ने जानने वाला ये मतलब, इसने बोला भाई कल लो भी फोटो वोटो शूट जो भी करनी है। और ये देखो मैं दिखाता हूँ एक और चीज़, देखनी बढ़िया बना रही है टेबल, देखो आर्किटेक्ट ये स्कूटर बना रखा है भाई, देखो कितनी बड़ी टेबल। ये भी और को एक एक और कैफे है भाई, बहुत तगड़ा वाला कैफे है, भी काफी अच्छा कैफे है ये, अंदर जाते नहीं है, थोड़ा बाहर से दिखाता हूँ, काफी अच्छा मतलब इटालियन लुक की तरह है। यहाँ भी गाने चल रहे हैं एंड ऑफ द डे कैफे, एक और तो काफ़ी अच्छा है भाई। भाई ये बाहर जाने का एग्जिट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है पर जो भी है बहुत अच्छा है। बहुत ही शानदार जगह है यार। और ये है गार्डन ऑफ फाइव सेंस, जो पड़ता है सैदुल अजाब साकेत मेट्रो के पास ही, और ये रास्ता है देखो एक नंबर की, सैदुल अजाब गार्डन ऑफ फाइव सेंस, ये एंट्री गेट है। अब तो बंद हो गया होगा शायद, ये अब तो बंद हो गया होगा, ये देखो गार्डन फाइव सेंस लिख रहा, ये है गार्डन ऑफ फाइव सेंस भाई। मेरे को अंदर तो नहीं जाना था, खैर टाइम देखो कितना हो गया है, खुल जा यार। अच्छा चाहिए 6:30 हो रहे हैं, बहुत टाइम है यार, मैं घर से 4 बजे निकला था, ऐसा लग रहा था जैसे लेट हो जाऊँगा, पर मैं काफ़ी जगह एक्सप्लोर कर ली अपने घर के आसपास ही। और ये आइसक्रीम पार्लर, आइसक्रीम खाता हूँ मैं उससे, और गार्डन फाइव सेंस खुला हुआ है क्या ये गार्डन ऑफ फाइव सेंस? अभी फ़िलहाल बंद हो चुका है ये, कृपया फूल ना तोड़े। और काफ़ी अच्छी वैरायटी लगा रखी है उन्होंने फूलों की भाई, बहुत तगड़ी ना वो कर रखे उन्होंने सेटलमेंट। अब तो बंद हो गए यहाँ, यहाँ पे खाता हूँ आइसक्रीम, आपको टाइम दिखा देता हूँ मैं गार्डन फाइव फाइव सेंस का, और फीस वगैरह दिखा देता हूँ उसका, टिकट काउंटर तो वहाँ है। और ये देखो रेट दिखाता हूँ, तो भाई ये है रेट लिस्ट, मतलब रेट लिस्ट का इसका टिकट है जो ये बीच में लिखा है द गार्डन फाइव सेंस दिल्ली सरकार।
टिकट है भाई 35 रुपये है, बच्चों की 15 रुपये है, सीनियर सिटीजन की भी 15 रुपये है। तो भाई इस तरह का कुछ थिएटर है और अब बंद हो चुका है ये पूरा फिलहाल। चलते हैं भाई बाहर की तरफ, थोड़ी देर में शाम हो जाएगी, थोड़ा पिज्जा भी लेता हूँ मैं, तो पिज्ज़ा देखते हैं पिज्ज़ा कहाँ पे सही मिल रहा है। और गर्मी हो रही है भाई, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही है, तो बेस्ट है कि शाम के टाइम ही घर से बाहर निकलो। और भाई भाई यहाँ से खाना पैक कराते हैं हम, देखते हैं।